इंडो भूटान बॉर्डर जयगांव से फुलचिलिंग तस्करी में भूटान वाहनों का भरपूर प्रयोग किया जाता था कोरोना काल लॉकडाउन में। मध्य रात्रि में भूटान नंबर की गाड़ियां बॉर्डर पार करके जयगांव आती थी और इन्हीं गाड़ियों में इलीगल सिगरेट बीड़ी तंबाकू पदार्थ भेजा जाता था। इसका विजुअल्स आप सभी के समक्ष जयगांव मिरर्स साझा कर रही है। ये एक जांच का विषय है और हम आशा करते हैं कि भूटान प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करेगी। भूटान के फुलचिलिंग में कोरोना केसेस का विस्फोट होना इस इलीगल मूवमेंट के वजह से भी हो सकता है जो जनता से छुपाया गया है। आपको ये भी बता दें कि भूटान नंबर वाहनों को इंडिया में कहीं भी तलाशी नहीं ली जाती इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के मद्देनज़र। इसी का फ़ायदा कुछ तस्कर उठाते हैं और रात के अंधकार में तस्करी को अंजाम देते हैं। इस तरह की तस्करी में कुछ भारतीयों के साथ कुछ भूटान के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसे भूटान प्रशासन को जांच करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस कोरोना काल में भारत भूटान जैसे कई देशों में 21 दिन का क्वारंटाइन का एक लॉ तैयार किया गया था, जिसके तहत कोई भी अगर बाहर से आता था तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता था ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन इस तरह से भूटान के उच्च अधिकारी कोरोना के नियमों का अनदेखा करते हुए मध्य रात्रि में भारत में आते थे, न जाने किन किन लोगों से मिलते थे अपना दोस्ती यारी में, और ना जाने कितने लोगों से संक्रमण होने का खतरा अपने आप में लेके जाते थे। दोस्तों, इस वजह से भूटान में काफ़ी सारे कोरोना केसेस का विस्फोट का कारण भी बन सकते हैं। दोस्तों, जिस समय जनता अपने घरों में रहा करती थी, जिस समय लोग कहीं बाहर से आने से 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहते थे, वहीं ये उच्च अधिकारी आसानी से भारत में आके घूमते थे, फिरते थे, अपना कार्य करते थे और ना जाने कितने इल्लीगल कार्य रात को अंजाम देते थे और उसके बाद वापस भूटान चले जाते थे। क्या इसके कारण भूटान में फुलचिलिंग में कोरोना नहीं फैला? इसका जवाबदेही इन ऑफिसर्स और भूटान प्रशासन को जनता के तरफ बनती है। हम आशा करते हैं कि भूटान प्रशासन इस लॉकडाउन विधि में कोरोना नियमों का जिन लोगों ने पालन नहीं किया, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, इस तरह से इल्लीगली तस्करी किया, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता के लिए नियम कानून अलग है और प्रशासन के उच्च अधिकारी के लिए नियम कानून अलग है? लोग कहते हैं कि भूटान में नियम कानून काफ़ी सख्ती से पालन किया जाता है, पर इस विषय में देखने को ये मिल रहा है कि भूटान के बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए देश के नागरिकों को जोखिम में डालते हुए इस तरह का इल्लीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और आशा हम लोग यही करते हैं कि भूटान प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी, उचित जांच करेगी और जो लोग इस इलीगल कार्य में जुड़े हुए हैं उनको सजा देगी। नीरज सर आ रहे, क्या करेंगे नीरज सर? सिगरेट सलाम
दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के पीरियड में जब नाइट कर्फ्यू हुआ करता था, आम जनता को घर में प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, सबके द्वारा यही चेतावनी दिया जाता था कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और उसी लॉकडाउन, उसी कोरोना काल में, उसी नाइट कर्फ्यू में भूटान अधिकारियों ने भारत में आके इस तरह का घटना घटाते हैं और साथ में कुछ भारतीयों का सहयोग से इस तरह से इलीगल तस्करी करते हैं और उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो संदेहजनक होता है। और साथ में ये भी मैं सवाल रखना चाहूँगा कि रात के अंधकार में इस तरह से कोई अगर आता है तो उंगली क्यों नहीं उठाया जाए, खासकर जिस समय कोरोना काल हो, जिस समय लॉकडाउन हो, जिस समय आम जनता, आम नागरिक दोनों ही देशों के घर में अंदर बैठती हो और उस समय कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए बॉर्डर पार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गाड़ियों में भर भर के तस्करी करते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा, भारत और भूटान के दोनों ही प्रशासन से, कि इस तरह के जो इलीगल कार्य के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि इसी कोरोना काल में, इसी पीढ़ी में, इसी लॉकडाउन के समय में जब नाइट कर्फ्यू हुआ करता था तो एक जर्नलिस्ट, जी हाँ, एक पत्रकार, जयगांव के एक पत्रकार के विरुद्ध में FIR भी किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, कोरोना काल में कोरोना नियमों का अनदेखा करने के लिए, उनका वॉयलेशन करने के लिए। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उस ऑफिसर को जिन्होंने इस विषय में FIR रजिस्टर किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जर्नलिस्ट के ऊपर में FIR हो सकता है तो इस तरह के जो तस्कर हैं, जो रात के अंधकार में जो भूटान से गाड़ियां लेके आते हैं और भूटान में फिर सिगरेट, बीड़ी, खैनी और तंबाकू पदार्थ लेके भूटान में लेके जाते हैं, उनके विरुद्ध में क्यों FIR नहीं होता है, उनके विरुद्ध में क्यों लीगल एक्शन नहीं होता है। ये दोनों ही देशों के मित्रता के लिए काफ़ी खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि काफ़ी सारे नशीली पदार्थ, ड्रग्स और सिगरेट, बीड़ी, खैनी इत्यादि पकड़े गए हैं। ये किस तरह से संभव है कि भूटान में इस तरह के सामान पहुंचते थे, इसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं और आप सभी के सामने हम लोग विजुअल्स भी साझा किए हैं और साथ साथ में आने वाले दिन में हम आप सभी के समक्ष उन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे, उन भारतीय लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे, उन लोगों का भी नाम हम लोग उजागर करेंगे पूरे तथ्य के साथ जो लोग इस तरह के घिनौने काम में जुड़ित है। और दोस्तों जाते जाते आप सभी को ये भी बता दें, इस तरह के घिनौने काम में कुछ पत्रकार भी शामिल है, कुछ भारतीय भी शामिल है, कुछ पत्रकार और भारतीय जिनका भूटान के जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के संपर्क में मिलकर इस तरह का घिनौना काम किया जाता है, उसका पूरे तथ्य के साथ आने वाले एपिसोड में हम लोग खुलासा करेंगे, नाम उजागर करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।